अस्सलाम वालेकुम। हम सीखे इंग्लिश और जर्मनी स्टेप बाय स्टेप, बेसिक से इंतहाई आसान तरीके से। लेसन नंबर है आज 94। हम सीख रहे हैं अपार्टमेंट। जो दोस्त लेसन पढ़ना है उन्हें चाहिए कि लेसन नंबर 1 से फॉलो करते हुए आएँ। तो चलें अपने लेसन की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज क्या लेसन है। विच ऑफ दिस इज द कारपेट, इनमें से कारपेट कौन सा है। द कारपेट को क्या बोलते हैं, कालीन। तो द कारपेट को जर्मन में क्या बोलेंगे, डेयर टेपिश। द कारपेट को जर्मन में क्या बोलेंगे, डेयर टेपिश। आगे बढ़ते हैं। ओ इश मैग डाइनन टेपिश निश्ट। ओ इश माग डाइनन टेपिश निश्ट, इसके माने होते हैं ओ मुझे आपका कालीन पसंद नहीं है। इसमें जो माग लिखा है जर्मन में पिंक से, उसका मतलब होता है पसंद। अगर निश्ट आ रहा है इसके साथ तो डोंट लाइक हो जाता है इंग्लिश में, पसंद नहीं। ठीक है, इसको आप आगे पढ़ते रहें, आस्ते आस्ते समझ आता जाएगा। तो दोबारा सुनते। ओ इश मैग डाइनन टेपिश निश्ट। ओ मुझे आपका कालीन पसंद नहीं है। इसी जुमले को हम किस तरह से लिखेंगे इंग्लिश में। ओ आई डोंट लाइक योर कारपेट। आगे बढ़ते। या इश मैग डेन स्टूल। या इश मैग डेन स्टूल, इसके माने होते हैं हाँ मुझे कुर्सी पसंद है। ठीक है, इसमें मैग जो लिखा है उसके माने पसंद होता है, लाइक। दोबारा सुनते हैं इसको। या इश मैग डेन स्टूल। या इश मैग डेन स्टूल, हाँ मुझे कुर्सी पसंद है। इसी जुमले को हम इंग्लिश में किस तरह से लिखेंगे। यस आई लाइक द चेयर, हाँ मुझे कुर्सी पसंद है। आगे बढ़ते हैं। Ich brauche einen Stuhl, aber ich brauche keinen Tisch. Ich brauche einen Stuhl, aber ich brauche keinen Tisch. इसके माने होते हैं मुझे कुर्सी की ज़रूरत है लेकिन मुझे एक मेज की ज़रूरत नहीं है। इसी जुमले को हम किस तरह से लिखेंगे इंग्लिश में, लिखा है नीचे आप देखिए और समझिए। आई नीड अ चेयर बट आई डोंट नीड अ टेबल, मुझे एक कुर्सी की ज़रूरत है लेकिन मुझे एक मेज की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते। Brauchst du einen Teppich? Brauchst du einen Teppich, इसके माने होते हैं क्या आपको एक कालीन की ज़रूरत है। इसी जुमले को हम किस तरह से लिखेंगे इंग्लिश में, डू यू नीड अ कारपेट, क्या आपको एक कालीन की ज़रूरत है। आगे बढ़ते। Ich brauche einen Stuhl, aber ich brauche keinen Tisch. ये अभी हमने पढ़ा है पीछे। इश बहुए एनन स्टूल आबा इश बहुए कानन टिश, इसके माने होते हैं मुझे एक कुर्सी की ज़रूरत है लेकिन मुझे एक मेज़ की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में किस तरह से होगा, आई नीड अ चेयर बट आई डोंट नीड अ टेबल। वी ब्राउचन एनन टिश उंड एनन स्टूल। वी आर बहुएन एनन टिश उंड एनन स्टूल, के माने होते हैं मुझे एक टेबल की और एक कुर्सी की ज़रूरत है। हमें एक टेबल की और एक कुर्सी की ज़रूरत है। वी आर जो जर्मन में लिखा है शुरू में उसके माने होते हैं वी भगवान। दोबारा सुनिए। वी ब्राउचन एनन टिश उंड एनन स्टूल। जस्ट अ सेकंड, शोर हो रहा है। वी ब्राउचन एनन टिश उंड एनन स्टूल। वी आर भगवान एनन टिश उंड एनन स्टूल, इसके माने होते हैं हमें एक टेबल की और एक कुर्सी की ज़रूरत है।
इसी जुमले को हम किस तरह से लिखेंगे इंग्लिश में? वी नीड अ टेबल एंड अ चेयर, हमें एक मेज की और एक कुर्सी की जरूरत है। आगे बढ़ते, वी हैवन काइनन स्टूल, वी आर हैवन काइनन स्टूल, इसके माने होते हैं हमारे पास कुर्सी नहीं है। इसी जुमले को हम किस तरह से लिखेंगे इंग्लिश में? वी डोंट हैव अ चेयर, हमारे पास कुर्सी नहीं है। आगे बढ़ते, पेयर मैच करते हैं, टेबल के माने होते हैं मेज, तो जर्मन में बोला जाता है टिश। हेलो को क्या बोलते हैं जर्मन में? हेलो। वाट, वाट माने होता है क्या, तो जर्मन में क्या होगा? वास। शोर बहुत हो रहा भाई। ग्रैंडपा, ग्रैंडपा के माने होते हैं दादा, तो जर्मन में क्या बोलते हैं? ओपा। वॉस फादर भी बोलते हैं ग्रैंडफादर को, वॉस फादर भी बोलते हैं जर्मन में, और ओपा भी। कारपेट, कारपेट के माने होते हैं कालीन, जर्मन में क्या होता है? टेपिश। आगे बढ़ते, नाइन इश ब्रौखे काइनन टेपिश, नाइन इश ब्रौखे काइनन टेपिश, इसके माने होते हैं नहीं मुझे कालीन की ज़रूरत नहीं है। इसी जुमले को हम किस तरह से लिखेंगे इंग्लिश में? नो आई डोंट नीड अ कारपेट, नहीं मुझे एक कालीन की ज़रूरत नहीं है, जर्मन में किस तरह बोला जाएगा इसको? नाइन इश ब्रौखे काइनन टेपिश। आगे बढ़ते, नाइन वी हैवन काइनन टिश, नाइन वी आर हैवन काइनन टिश, इसके माने होते नहीं हमारे पास एक टेबल नहीं है। इसी जुमले को हम किस तरह से लिखेंगे इंग्लिश में? नो वी डोंट हैव अ टेबल, नहीं हमारे पास एक टेबल नहीं है, जर्मन में किस तरह बोलेंगे जुमले को? Nein, wir haben keinen Tisch. आगे बढ़ते, Wir brauchen einen Tisch. Wir brauchen einen Tisch. इसके माने होते हैं हमें एक टेबल की ज़रूरत है। इसी जुमले को हम किस तरह लिखेंगे इंग्लिश में? We need a table. हमें एक टेबल की ज़रूरत है, या हमें एक मेज की ज़रूरत है। आगे बढ़ते, Ich mag den Tisch. Ich mag den Tisch. इसके माने होते हैं मुझे टेबल पसंद है। Ich mag den Tisch. मुझे टेबल पसंद है। इसी जुमले को किस तरह लिखा जाएगा इंग्लिश में? I like the table. मुझे टेबल पसंद है, या मुझे मेज पसंद है। आगे बढ़ते, Der Tisch ist zu teuer, aber ich mag den Stuhl. Der Tisch ist zu teuer, aber ich mag den Stuhl. इसके माने होते हैं मेज बहुत महंगी है, लेकिन मुझे कुर्सी पसंद है। इसी जुमले को हम किस तरह लिखेंगे इंग्लिश में? लिखा है इंग्लिश में, द टेबल इज़ टू एक्सपेंसिव बट आई लाइक द चेयर। टेबल, मेज बहुत महंगी है, लेकिन मुझे कुर्सी पसंद है। आगे बढ़ते हैं, Wir haben keinen Hund, wir haben einen Fisch. Wir haben keinen Hund. Wir haben einen Fisch. इसके माने होते हैं हमारे पास एक कुत्ता नहीं है, लेकिन हमारे पास एक मछली है। इसी जुमले को हम किस तरह लिखेंगे इंग्लिश में? We don't have a dog. We don't have a dog, we have a fish. हमारे पास एक कुत्ता नहीं है, लेकिन हमारे पास we have a fish. हमारे पास एक मछली है। दोबारा सुनिए इस जुमले को। We haben keinen Hund, we haben einen Fish. ठीक है, इसको इंग्लिश में किस तरह बोला जाएगा? We don't have a dog, we have a fish. हमारे पास एक कुत्ता नहीं है, हमारे पास एक मछली है। आगे बढ़ते,
वी नीड अ टेबल, इसके माने होते हैं हमें एक टेबल की ज़रूरत है। इसी जुमले को हमें लिखना है जर्मन में, तो किस तरह बोलेंगे जर्मन में? वी को क्या बोलेंगे? वी नीड को क्या बोलेंगे? ब्राउखन। आ को क्या बोलेंगे? आइनन। टेबल को क्या बोलेंगे? टिश। वी आर ब्राउखन आइनन टिश, हमें एक टेबल की ज़रूरत है, वी नीड अ टेबल। आगे बढ़ते, वी नीड अ टेबल एंड अ चेयर, हमें एक मेज़ और एक कुर्सी की ज़रूरत है। इस जुमले को किस तरह लिखा जाएगा जर्मन में? वी को क्या बोलेंगे? वीर। नीड को क्या बोलेंगे? ब्राउखन। आ को क्या बोलेंगे? आइनन। टेबल को? टिश। एंड को? उंट। आ को? आइनन। चेयर को? स्टूल। वी आर ब्राउखन आइनन टिश उंट एनन स्टूल, हमें एक मेज और एक कुर्सी की ज़रूरत है, वी नीड अ टेबल एंड अ चेयर। तो ये तो था आज का लेसन, अगले लेसन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।